संवाद के साथ ही लोग समझ पाएंगे कि मोदी जी का जो विजन प्लान है एक विकसित भारत के लिए 2050 तक, एक रणनीति, एक सोच, एक विचारधारा और एक प्रगति का जो चार्ट है, कांग्रेस के पास कुछ बचा ही नहीं मुद्दा के रूप में, शायद इसलिए उन्होंने टिप्पणी की है। कांग्रेस के पास कोई मिशन नहीं है, दे आर ऑन डिस्ट्रक्शन मिशन। भारतीय जनता पार्टी ने ठान लिया है कि विशेष संपर्क के निमित्त हम हर एक वर्ग स्तर के साथ इंगेज करें। आज किरण रिजिजू अलग अलग क्षेत्र, एनजीओज, डायमंड इंडस्ट्री, वकील, डॉक्टर्स, लॉयर्स सबके साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि मोदी जी की जो सोच है एक विकसित भारत के लिए वो जनता तक पहुंचे। और हम मानते हैं कि संवाद के साथ ही लोग समझ पाएंगे कि मोदी जी का जो विजन प्लान है एक विकसित भारत के लिए 2050 तक, एक रणनीति, एक सोच, एक विचारधारा और एक प्रगति का जो चार्ट है जहां 60 करोड़ लाभार्थियों को जो फायदा हुआ है वो बढ़ते जाए। दूसरी तरफ आपके जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, महायुति के कैंडिडेट हैं उज्जवल निकम पर एक बड़ा आरोप जो है विजय वड़ेट्टीवार ने लगाया है कि कसाब ने जो गोली चलाई थी हेमंत करकरे पर, वो कसाब ने नहीं चलाई थी, एक पुलिस ऑफिसर ने चलाई थी, डेडिकेटेड आरएसएस का था और वो उज्जवल निकम को पता था। ऐसे लोगों को जो है बीजेपी टिकट दे रही है, इस आरोपों को किस तरह से देखा? उज्जवल निकम एक बहुत ही प्रसिद्ध पब्लिक प्रोसिक्यूटर रह चुके हैं और ऐसे बेबुनियादी आरोप जब कोई लगाता है आपको पता चलता है कि उनके पास कोई मुद्दे बचे ही नहीं है। ये कहना कि कसाब को किसने मारा, कैसे मारा, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपना काम करके उनको फांसी दिलाता है। और मैं मानती हूं हम सब उज्जवल निकम जैसे साफ सुथरे कैंडिडेट्स को प्रोत्साहित करना चाहिए सक्रिय राजनीति में ताकि प्रोफेशनल्स भी आए इस क्षेत्र में। मैं मानती हूं कि कांग्रेस के पास कुछ बचा ही नहीं मुद्दा के रूप में, शायद इसलिए उन्होंने टिप्पणी की है। पाकिस्तान का नाम लगातार कांग्रेस ला रही है चुनाव में, घूम करके फिर से पाकिस्तान का मुद्दा जो है लाया जा रहा है, किस तरह से देखते हैं जो इश्यू से भटकने? कांग्रेस के पास कोई मिशन नहीं है, दे आर ऑन डिस्ट्रक्शन मिशन। भारतीय जनता पार्टी का मिशन ये है देश को सुरक्षित रखना और जिस ढंग से प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, पाकिस्तान छोड़िए कोई अन्य बॉर्डर कंट्री भी हो वहां भी उनको एंट्री नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत जिस ढंग से सुरक्षा के ऊपर फोकस कर रही है, हमारे आर्म्ड फोर्सेस को जो महत्व मिल रहा है उससे एक चीज स्पष्ट है, आते हुए दिन में मोदी है तो मुमकिन है और मोदी की गारंटी आपको देखने मिलेगा।